Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Human Resource Management Part 3। तो HRM का Part 3 आपके सामने ये है। तो इसमें हम काफ़ी सारे नए और MCQs को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और ये सारे सेशन से आपका रिविजन टाइम टू टाइम बेसिस पे होते रहेगा। तो मैं हर एक टाइप के वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे, सर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, बैफ के, बीबीआई के बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड करें, हमें भी उससे बेनिफिट मिलेगा। जितने कंटेंट, जितना मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मैं आपकी 100% हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं आपको वीडियोस देने का ट्राई करूँगा। बाकी आप अपने बेसिस पे भी प्रिपरेशंस करते रहें, ठीक है। अगर जैसे मुझे कुछ मटेरियल मिलेगा उसके बेसिस पे मैं नए एमसीक्यूज को कंस्ट्रक्ट करके आप सभी के लिए वीडियोस आपके एग्जाम तक आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मेरे तरफ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आप उसका 100% बेनिफिट लेना और उससे काफ़ी तरीके के एमसीक्यूज आपके रिवाइज हो जाएंगे, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपको पेपर से रिलेटेड रिवाइज होने के लिए ये सेशन जो मैंने शुरू किए वो आपको हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू reduce number of employees in the organization through proper planning। तो इनमें से कौन से पॉइंट में ऐसा है कि हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिड्यूस करेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ। एट्रीशन, डाउनसाइजिंग, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन। तो याद रखना इसको बोला जाता है डाउनसाइजिंग। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज डाउनसाइजिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ HRIS इज, आई थिंक आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इन्फ्लुएंस सिस्टम, ह्यूमन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो HRIS का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म वाले पॉइंट्स में कंफ्यूज ना हो जाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कफोर्स। तो ग्रेजुअली डिक्रीज करना है हमारे जो वर्कफोर्स है उनको स्लोली एंड स्टडीली अगर डिक्रीज करना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर प्लानिंग के तरफ से करेंगे तो वो क्या होता है? डाउनसाइजिंग। और अगर हम ग्रेजुअली एंड स्लोली हमारे स्ट्रेंथ के बेसिस पे रिड्यूस करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एट्रीशन। ध्यान रखना कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एट्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज फ्रॉम द मोटिवेशनल थियरीज। तो मोटिवेशनल थियरीज काफी इंपॉर्टेंट है, सारे मोटिवेशनल थियरीज आप पढ़ के रखें, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां से एमसीक्यूज बन भी सकते हैं। विच थियरी in which the professional method is adopted by management to manage and motivates its employees। तो professional method इनमें से कौन से theory में adopt किया जाता है? theory X, theory Y, theory Z, theory O। अगर हम ध्यान से देखें तो theory X and theory Y दिया था डगलस मैक्रिगर ने। उन्होंने क्या बताया था कि theory X और theory Y में theory X orthodox nature का theory है जो traditional approach को follow करता है, and theory Y जो है वो modern approach को follow करता है, वहाँ पे professionalism ज़्यादा होगा। theory Z जो है that will be related with William Ouchi ने इस theory दिया था। तो basically theory O ऐसा कोई theory नहीं है। तो professional approach को, जो professional methods को जो follow करने वाला theory होगा वो कौन सा थियरी होगा? वो थियरी वाई होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थियरी वाई। ध्यान से पढ़ के रखना, थियरी एक्स, थियरी वाई, डगलस मैक्रिगर हैज गिवन दिस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाएंगे। दिस इज द पार्ट रिलेटेड विद लीडरशिप स्टाइल्स। द लीडरशिप स्टाइल इन विच एवरी टीम मेंबर हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज इन डिसीजन मेकिंग इज। ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे जो टीम मेंबर होंगे उनको भी इक्वल राइट रहेगा उनके व्यूज़ को, उनके सजेशंस को देने के लिए? ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल या कंजर्वेटिव स्टाइल, ठीक है। ऑटोक्रेटिक मतलब इसमें तो एक ही पर्सन डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेटिक है या कंजर्वेटिव है? देखो आपको इनमें से अगर कंसेप्ट भी पता होगा तो आप इसका आंसर सही तरीके से कर सकोगे। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में ज़्यादा करके यूज़ होता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिसमें जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ में लेके डिसीजन लेता है, सबॉर्डिनेट्स को भी इक्वल राइट्स होता है अपने व्यूज शेयर करने का, अपने सजेशन देने का, उनमें से फिर बेस्ट सजेशन जो होगा उसको या कंबाइंड जो मिलके डिसीजन निकलेगा वही सिलेक्ट किया जाएगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। आई होप कि आपका इसमें से कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द लीडर हु अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ फॉलोअर्स एंड असाइंस टास्क अकॉर्डिंगली। तो ऐसा कौन सा लीडर है जो अपने सबॉर्डिनेट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रख के ही उनको टास्क देता है? लेजिस्फेयर लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर या ऑटोक्रेटिक लीडर? ऑटोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ऑटोक्रेटिक में एक ही पर्सन डिसीजन लेता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, उसको जो सही लगेगा वही वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है अपने सबॉर्डिनेट्स को बाय गिविंग देम दैट टास्क विच दे कैन अचीव डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब वो उनका स्वॉट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप सभी को ये पता होगा कंसेप्ट। तो वो उनका स्वॉट एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई करता है कि उनके स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे उनको कौन सा टास्क देना चाहिए जो वो इजी तरीके से अचीव कर पाए। तो ऐसे लीडर को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द नीड हायरार्की थियोरी ऑफ मोटिवेशन। ध्यान से, यहाँ पे ऑथर की बात की है कि नीड हायरार्की थियोरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया? एब्राहम मैस्लो ने दिया, विक्टर रूम ने दिया, मैक्ग्रेगर ने दिया कि विलियम आउची ने दिया? ध्यान रखना। तो एब्राहम मैस्लो जो है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, एब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थियोरी दिया था। 5 टाइप के नीड्स बताए थे उन्होंने, और उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक एक नीड के बाद दूसरे नीड पे जाते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा एब्राहम मैस्लो। विलियम आउची के बारे में मैंने आपको बताया, विलियम आउची ने भी थियोरी Z दिया है, मैक्ग्रेगर ने थ्योरी X, थियोरी Y दिया है, विक्टर रूम ने एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी थियोरी दिया है, उन्होंने थियोरी दिया है। तो बेसिकली आप इन सारे थियोरीज को एक बार उनके ऑथर्स को और उनका जो बेसिक रख से उनको ध्यान से पढ़ के रखें। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय डिसाइड्स हिज करियर गोल्स एंड एस्टैब्लिशेस अ प्लान टू अचीव दोज गोल्स इज कॉल्ड एज करियर प्लानिंग, करियर ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट या करियर काउंसलिंग। ध्यान से, सभी में करियर ऑप्शन है तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय डिसाइड्स हिज करियर। एम्प्लॉय क्या करता है? डिसाइड करता है उसका करियर, उसके गोल्स, और वो करियर और गोल्स के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाता है वो गोल्स को अचीव करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है? जहां प्लान की बात कर रहे हैं वहां प्लानिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड एज करियर प्लानिंग। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करियर प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे, द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, विलिंगनेस एंड कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस बाय एम्प्लॉयज इन देयर करंट जॉब इज मोटिवेशन, मोरल, इन्फ्लुएंस या कॉम्पिटेंसी। तो जो उनको फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन में, सेटिस्फैक्शन की, विलिंगनेस की या कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस बाय द एम्प्लॉयज इन देयर करंट जॉब इज कॉल्ड एज मोरल। तो इसका राइट आंसर है मोरल। मोटिवेशन मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय ट्रेनिंग सिस्टम अंडर विच अ सीनियर और मोर एक्सपीरियंस पर्सन इज असाइंड टू एक्ट एज एन एडवाइजर इज कॉल्ड एज। तो एक ट्रेनिंग सिस्टम जहाँ पे एक बंदे को एक सीनियर मोस्ट पर्सन ट्रेनिंग देगा, सीनियर मोस्ट पर्सन एक एडवाइजर का काम करेगा, उसे क्या बोला जाता है? मेंटरिंग, काउंसिलिंग, गाइडेंस या ट्रेनर? तो ध्यान से याद रखना, उसे बोला जाता है मेंटरिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंटरिंग, काउंसलिंग, ये वाले कंसेप्ट ध्यान से पढ़ के रखना। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो वाले कंसेप्ट भी ध्यान से पढ़ के रखना। मैं आपको नए नए MCQs लाने ही वाला हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली किस तरीके से MCQs बनेंगे और किस तरीके से आपको रिविजन करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको MCQs मिलते रहेंगे धीरे धीरे। आई वॉज रिसीविंग मैनी कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आपके मुझे मिल रहे हैं कि सर इसके MCQs अपलोड करें, उसके MCQs अपलोड करें, ये सब्जेक्ट का डालें। तो मैं मेरे बेसिस पे बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के MCQs प्रोवाइड करते रहे, लेकिन आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियोज़ तो मिलने ही वाले हैं जिससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आप MCQs पढ़ते वक्त यही ध्यान रखें कि आप पहले कंसेप्ट्स पे ध्यान रखें, फिर आप MCQs को रिवाइज करें, बिकॉज 200-300 MCQs पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए। और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे कवर करनी है तो उसको मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि सिंपल आप पहले कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करें, फिर आपके एमसीक्यूज पेपर में कोई भी आए वो आपके एमसीक्यूज बनेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। सिंपल होगा, पेपर इजी रहेगा, एग्ज़ाम आपका सभी लोगों का अच्छे से जाएगा, आप सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप सभी को अपना ग्रेजुएशन अच्छी परसेंटेज से आप पास हो जाओगे। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल तरीके से पढ़ते जाना है, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे बेस पे पढ़ते जाओ, और आप अगर अपने बेसिस पे प्रिपरेशंस कर रहे हो उसको भी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। अगले बार मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।